आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल MH48। हा चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून नवीन व्हिडिओ मिळवा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनय जोगळेकर और आप देख रहे हैं MH48। आज हम चर्चा करेंगे गुजरात के म्युनिसिपल इलेक्शंस की और कई सारे सवालों की जो गुजरात के बारे में आपके मन में है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार अल्केश पटेल जी। अल्केश जी गए 30 साल से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और गुजरात के प्रमुख अखबारों में चीफ सब एडिटर से लेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर तक अलग अलग पदों पर उन्होंने सेवा दी है। 2008 से वो अनुवाद का भी काम कर रहे हैं और आज तक लगभग 40 पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने संपादन किया हुआ है। हाल में विचार मंथन सामायिक में संपादक की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, वो अहमदाबाद से है। स्वागत है अल्केश जी आपका MH48। अल्केश जी, कल हम सब लोग देख रहे थे कि गुजरात में 6 जगह पे म्युनिसिपल इलेक्शन हुए और वहां पे भाजपा को भारी बहुमत मिला, लगभग 80% के ऊपर उसको सक्सेस रेट है। 576 में से 483 जगहों पर भाजपा विजयी हुई। तो आप इन चुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं, खास करके 2015 के तुलना में भाजपा का ये जो आलेख है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है? वो बड़ा है इसलिए दो तीन कारण है ये बढ़ने का। यहाँ कॉर्पोरेशन में बड़े जो महापालिका है, एक तो इतने सालों तक भाजपा शासन में रही है और नेचुरली काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं सिटी एरिया में, काम अच्छे हुए, लोग देख सकते हैं काम हो रहे हैं। और पूरे पूरे समय कालखंड में ये जो पांच पांच दो तीन तीन अपने ये बार चुनाव हुए, कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार का केस ही सामने नहीं आया है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। भाजपा के शासन में कुछ कुछ होते हैं छोटे भ्रष्टाचार के सामने आते हैं, लेकिन वो अधिकारी स्तर पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही रेयर ऐसा होता है। तो क्या होता है कि लोगों के मन में एक भाव रहता है कि चलो काम तो हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हमें हमारी जो भी कुछ है उसमें सहूलियत हो रही है कामों में। तो एक कारण ये है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है गुजरात में। दूसरा कारण यहाँ ये है कि कांग्रेस है वो ऑलमोस्ट 95 से जब से बीजेपी स्टेट में फर्स्ट टाइम चुन के आई, केशुभाई पटेल की सरकार बनी थी, उसके बाद से कांग्रेस का लगातार संगठन के तौर पर पतन होता रहा है। उन्होंने कांग्रेस में जो ग्रुपिज्म होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके बाद में, बहुत ज्यादा, पहले भी था लेकिन इतना सारा नहीं था। और दूसरा कि भाजपा इतनी पावरफुल नहीं थी कि शासन में आ सके, तो कुछ ना कुछ करके कांग्रेस को मिलते थे मत मिलते थे। लेकिन बाद में से जब से बीजेपी ने संभाला है मोर्चा, तब से कांग्रेस में इतना बड़ा ग्रुपिज्म हो चुका है कि वो लोग सभी, हम नेशनल लेवल पे भी देखते हैं कि वो सबको नेता बनना है लेकिन कार्यकर किसी को नहीं बनना है। तो यही हाल गुजरात में भी है। और भाजपा तो केंद्र बेस्ड पार्टी है, हम जानते हैं, तो उस पर किसी का भी लेवल का हो वो अपने आप को कार्यकर्ता ही बताता है और इस तरह से काम करते हैं। तो ये सब के सब जो है वो पूरा का पूरा एक मीटर लोगों को लगा कि भाई ये शहरों में, खास करके बड़े शहरों में, 6 शहरों में अभी ये पार्टी रहेगी तो अच्छा है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस 95 के बाद हारती रही है, फिर भी कांग्रेस का एक वोट शेयर है, लगभग 30-40% वोट कांग्रेस को मिलता है। कांग्रेस में ग्रुपिज्म हो, कांग्रेस कोई कैंपेन करे या ना करे, कांग्रेस को उतना वोट मिलता है। लेकिन ये चुनाव में अगर आप देख सकते हैं तो बहुत जगह पर कांग्रेस का वोट शेयर है लगभग 10-15% तक हो गया है। तो खास करके दो जगह से मैं आपको, सूरत में जिस तरीके की सक्सेस यश आम आदमी पार्टी को मिला है, उनको 27 सीट मिले है 120 में से, और अहमदाबाद में मेरे हिसाब से MIM को एक में अच्छा सीट्स मिला है,
तो ये क्या कांग्रेस का लॉस है या इन्होंने अपने लिए अलग से जगह बनाना शुरू कर दिया दो पार्टियों ने? नहीं, कांग्रेस का लॉस है। कांग्रेस का जो ये वोटर बेस था वो ज्यादातर रूरल और लोअर मिडिल क्लास में होता है। कांग्रेस ने हमेशा एक बात करी है कि जो माइनोरिटीज्म का जो एक रहा है उसका वो हमेशा से रहा है। तो अहमदाबाद की मैं पहले बात करूं तो जो 7 बैठक AIMAM को मिली है ओवैसी की पार्टी को, तो वो पूरे के पूरे कांग्रेस के थे जितने भी थे। अभी जो चुनके आए हैं वो ओवैसी ने उन लोगों को ऐसा समझाया कि कांग्रेस हमको इतने साल सब कुछ बोलती रही लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं है, अब हम करेंगे। तो हम AIMAM का वो पॉलिटिकल जो है परसेप्शन को एक वो हम जानते हैं, तो वो बैठ गया कि वहाँ जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से उस पर सीट मिल गई। सूरत का है, जो सूरत में क्या हुआ कि पाटीदार आंदोलन जो हुआ था उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये हार्दिक पटेल बहुत बड़ा नेता हो चुका है, अब और उसको हम अगर ले लेंगे तो वो कुछ कर पाएगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कुछ समय तक उसका चला आंदोलन के अनामत के नाम पे चलता रहा और लोग आते रहे, लेकिन पर्सनल लेवल पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हुआ कि सूरत में जो लोग उसके साथ थे, पास पाटीदार आंदोलन कमेटी के साथ थे जो लोग, वो उसमें से उन्होंने वहां से फूट पड़ गई, हमको टिकट देना पड़ेगा। तो कांग्रेस वाले तो देंगे नहीं, हार्दिक चाहे तो भी नहीं दे सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं दी गई, तो वो लोग आम आदमी पार्टी के पास चलते गए। अब आम आदमी पार्टी की हम जानते हैं जो दिल्ली में कर रहे हैं उनका भी जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है मुफ्त का देना सब कुछ, तो कुछ लोग होते हैं कि उससे प्रभावित हो जाते हैं। और यही हुआ सूरत में, कुछ लोग जो पाटीदार आंदोलन से नाराज थे वो हार्दिक से पर्सनली नाराज थे, वो कांग्रेस से नाराज थे वो, और ये सब मौका मिल सकता है ऐसा एक परसेप्शन बना गया था। और छोटे छोटे मुद्दे इस तरह से उठाते हैं, गलत होते हैं फिर भी उठाते हैं, तो जो एवरेज सिटीजन होता है उसके पर असर पड़ता है। तो ये असर पड़ा और वहां पे 127 बैठक मिल गई। लेकिन जो पाटीदार आंदोलन की बात आपने छेड़ी है, तो मेरे ख्याल से राजकोट और भावनगर ये भी दो ऐसे शहर है कि वहां पे भी पाटीदार लोगों का, और राजकोट में तो कांग्रेस को अच्छा यश मिल रहा था, लेकिन ये बार राजकोट में भी जो जहां से मुख्यमंत्री विजय रूपानी आते हैं उधर भी कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता? आंदोलन खत्म होने के बाद ये जो मैंने बोला कि कांग्रेस को ऐसा लगा कि हार्दिक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन ऐसा नहीं था, और ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं था। सिर्फ एक रीजन के कारण ही लोग उसकी सभा में जाते थे, लोग उसके पीछे जाते थे, वो उसको ऐसा लगता था कि ये अनामत ही दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों को ये नहीं दिलवा सकता और कांग्रेस भी नहीं दे सकती अनामत, तो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो है पैरामीटर्स उसमें पॉसिबल नहीं था। और दूसरा क्या हुआ अनिल जी कि मोदी जी ने सेंट्रल लेवल पे वो 5% जो अनामत थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को दे दिया, तो इसका उसके बाद से गुजरात में बहुत सारे पाटीदार जो पहले इसमें जुड़े थे आंदोलन में, उन लोगों के लगा कि अब तो हमें मिल गया है और सेंटर ने कर दिया है, तो अब ये आंदोलन का और इस मुद्दे को पकड़े रखना अच्छा नहीं है। और कांग्रेस से बार बार वो लोग निराश हुए थे, उस वक्त भी हुए थे जिस वक्त आंदोलन चल रहा था, तब हम देखते थे कि यहाँ के से जो नेता पास के नेता आंदोलन के पाटीदार आंदोलन के नेता दिल्ली भी मिलने जाते थे राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेताओं को, तो मिलते भी नहीं थे, तो उस समय से वो नाराजगी चल रही थी। तो और दूसरा राजकोट के स्पेसिफिक आपने पूछा, तो मैं राजकोट का बताता हूँ। राजकोट के जो एक दो बड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो ग्रुपिज्म के कारण उनको साइडलाइट हो गए,
2017 विधानसभा चुनाव गुजरात का जब हुआ 2017 में, तब कांग्रेस ने क्या किया कि जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है यहाँ का गुजरात का, वो एक यंग आदमी को दे दिया। फिर उसके साथ जो विधानसभा का जो लीडर होता है वो भी सौराष्ट्र के आदमी को दे दिया। तो राजकोट का जो सबसे बड़ा नेता था उसको लगा कि भी ये तो हमारे साथ पार्टी ने, हमने इतने साल काम किया, फिर भी ये नए लड़के को विरोध पक्ष नेता बना दिया। तो वो प्रैक्टिकली उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बहुत महीने तक वहां से राजकोट में से वो काम करना बंद कर दिया था वहां के नेता ने। अब इसके कारण वहां पार्टी कुछ बची नहीं और बाद में वो कांग्रेस में आ गए। एक महीने दो महीने पहले वापस कांग्रेस में आए, लेकिन एक दो महीने में फिर से वो उसको रिजोइनेट कर नहीं सकते थे। तो यही कारण था कि कांग्रेस में बहुत ग्रुपिज्म के कारण हर एक सिटी में, और दूसरा एक ये है कि सिटी एरिया में लोग जो है ज्यादातर लोग वो अभी कांग्रेस की बात नहीं मानते हैं, उनके वादों पर उसकी बातों पर उनको भरोसा नहीं है और उसके सामने भाजपा का काम देखते हैं। ये दो बड़े कारण है। लेकिन यानी शहरों में तो खास करके ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल के भाव इतने महंगे हो रहे हैं, महंगाई है, और COVID-19 की वजह से खास करके अहमदाबाद में भी और बड़ौदा में भी कोविड का बहुत ज्यादा फैलाव हुआ था, बहुत ज्यादा मृत्यु दर भी शुरुआत के समय में था। तो ये सब फैक्टर्स होने के बावजूद भी क्या गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, या यानी लोग खुश है या लोगों के सामने कोई पर्याय नहीं है इसलिए वो फिर से भाजपा को ही वोट दे रहे? नहीं, पर्याय नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो कोविड का जो सिचुएशन है मैं आपको उसके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि काफी लोगों को, काफी माने हजारों लाखों लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हुए है कि भाई हॉस्पिटल में जाते थे तो उस पूरा एक जैसे क्या बोलते हैं एक स्वजन जैसा व्यवहार होता था हॉस्पिटल में। पूरा ध्यान रखा जाता था सबका। अगर वो ठीक होने के बाद घर पहुंचते थे तो उनके उनके लिए फोन जाता था गांधीनगर से कि वीरप कैसा है, आपको क्या चल रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है। तो ये जो है ना एक बात फैलती रही सबके बीच में कि भाई सरकार ने पूरा ध्यान रखा है, सरकार कोशिश कर रही थी, वो सबको दिखता था। और जैसे भी कोई अगर कोई बीमार होता ऐसा लगता है तो विदिन 10 मिनट्स विदिन 20 मिनट्स वो एम्बुलेंस आ जाती थी 104 और पूरा का पूरा उसको ट्रीटमेंट मिलता था। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जो कंप्लेंस थी, आपको जो लगता है गुजरात के बाहर के लोगों को पूरी कंप्लेंस है और इतना, वो प्राइवेट सेक्टर की थी, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। तो जितने लोगों ने गवर्नमेंट के साथ उसका ट्रीटमेंट किया और वो सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा। महंगाई की बात है तो महंगाई की ऐसा है, गुजरात का जो एवरेज सिटीजन है वो चिल्लाता है सही कि भाई ये हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन उसके साथ शायद संघ की ओर से या फिर दूसरे कोई हिंदू संगठन की ओर से या फिर मोदी या बीजेपी के जो सपोर्टर्स है ऐसे उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक नैरेटिव चलाते रहते हैं कि भाई अगर कुछ महंगाई हो गई तो उसको छोड़ो उसके बाद, लेकिन बिग बड़ा पिक्चर देखो कि भाई मैं आपको बताऊं इसके बारे में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया में खास करके व्हाट्सएप में एक मैसेज घूम रहा है और काफी काफी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिटीजन गुजरात का बाकी हो ये पढ़ने में। पोस्ट ऐसी है कि जैसे नरेंद्र मोदी खुद एक लेटर लिख रहे हैं गुजरातियों को कि भाई आप लोगों को अभी पेट्रोल की तकलीफ हो रही है मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ आपके पैसे से, मैं ये फ्री में ये कर रहा हूँ, मैं आपके पैसे से मैं ये जो बाहर के डेट है वो सब मैंने खत्म किए, पेट्रोल के जो बाहर डॉलर में जो थी लोन वो मैंने 90
तरह का सब चल रहा है, तो ये लोग मानते हैं कि हाँ काम हो रहा है। तो इस तरह से परसेप्शन बनता है और असर होती है। तो नैरेटिव के अगर हम बात करें तो मुझे याद है कि आप तो जानते हैं कि गुजरात ये एक एंटरप्राइजिंग स्टेट है, एक बिजनेस और व्यापार से ज्यादा लगाव रखने वाला स्टेट है, और खास करके 2017 के चुनाव के पहले एक ऐसा एक माहौल बनाया था कि एक डिमोनेटाइजेशन के वजह से, जीएसटी के वजह से, रेरा के वजह से, खास करके जो गुजरात का छोटा उद्योजक और व्यापारी है उसको बहुत ज्यादा तकलीफें हुई थी, और उसके साथ ये अनामत का जो मुद्दा था ये मिलके यानी जो प्रोपेल हुआ, क्योंकि अगस्त 2017 में अहमद पटेल जी के राज्यसभा चुनाव में बहुत ज्यादा स्पर्धा हुई थी और कांग्रेस के तभी तो एमएलए लगभग 40 लोग कांग्रेस के पास रह चुके थे, लेकिन उससे बढ़कर कांग्रेस की जो सुधारणा हुई खास करके चुनाव में 77 सीट कांग्रेस को ला दी, और उस जगह से फिर से कांग्रेस डिक्लाइन में या उसकी ये शुरू हो गई, उल्टी यात्रा शुरू हो गई। तो ये फेस को आप कैसे देखते हैं 2017 जब भी माहौल एकदम यानी गुजरातियों को भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और वहां से लेके आज का जो एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, आज का जो एक कि भारत कोविड से बाहर आके फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल करता है, ये कर्व को आप कैसे देखते हैं? आप टेक इट माय वर्ड्स कि ये कर्व नहीं है। कर्व बाहर जो कुछ है कुछ लोगों को ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ गुजरात में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई कर्व नहीं है। जो कमिटेड वोटर है बीजेपी का वो बढ़ता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको ये पाटीदार आंदोलन की बात बताऊं, जिस वक्त ये शुरू हुआ जिन लोगों ने शुरू किया दूसरे ही हफ्ते से दूसरे ही महीने से क्या शुरू हो गया कि भाई ये आदमी कौन है, तो ये आदमी तो ये है, इसका जुड़ाव किसके साथ है, तो इसका जुड़ाव किसके साथ है, अब अच्छा ये जुड़ाव इसके साथ है तो ये ऐसे कैसे लोग है, तो ये एक जो है उनकी जो असलियत है वो बाहर लाने में शायद बीजेपी के कुछ जो अंडरग्राउंड तो नहीं बोल सकते लेकिन जो साइलेंट सपोर्टर है वो सब बाहर निकालते हैं कि भाई ये आदमी जो कर रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ मिल जाता है इसकी डिमांड से कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होने वाला है क्योंकि इसका जो इरादा है वो अलग है। हार्दिक का जो एक ये मैं बात बता रहा हूँ आपको एक पर्सनल, कि उस वक्त राहुल गांधी गुजरात आए थे जब आंदोलन चल रहा था और एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरे थे और हार्दिक पटेल रात को 12-1 बजे उनसे मिलने गया था। वो सब वीडियो फुटेज उस वक्त बहुत चल रहा था कि वो जब मिलने गया था उसके पास कुछ नहीं था, ऐसे ही चल के गया था और आधा घंटा एक घंटे की मीटिंग के बाद वो एक ब्रीफकेस लेके बाहर निकला था। ये दोनों टाइमिंग के साथ पूरा का पूरा उस वक्त बहुत चला था, तो नेचुरली वो पूरा का पूरा उसका डाउन हो गया कि अब ये इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है जो आपका सवाल है कि 70 के चुनाव में 77 सीट कांग्रेस को आई थी और बाद में ये डिक्लाइन। मैं ऐसा मानता हूँ कि पॉलिटिक्स है, पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कांग्रेस खेलती है, लेफ्ट वाले खेलते हैं, तो बीजेपी को भी खेलने का है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग ग्रुपिज्म के कारण नाराज होते थे कांग्रेस में उनको लेना शुरू किया, तो 77 से 2017 के बाद से 3 साल में कम से कम 10-12 MLA उन्होंने रिजाइन कर दिया अलग अलग इलेक्शन के टाइम पे, राज्यसभा इलेक्शन के टाइम पे या कुछ कोई पेटा चुकने के टाइम पे और रिजाइन कर दिया, तो उसकी स्ट्रेंथ एकदम नीचे हो गई। अब इस स्ट्रेंथ नीचे होने के बाद भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल लीडर, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका या कोई भी लीडर कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया कि भी उसको बचा ले, कैसे बचाए, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था यहाँ पे गुजरात में कि ये लोग पार्टी को बचाने के लिए कोई सीरियस है। तो प्रजा जो वोटर होता है, जो आम आदमी होता है, उसको एक
दिखता है कि भाई ये लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्टी को बचाने के लिए या प्रजा के जो सवाल है उसको आगे ले जाने के लिए बड़े तौर पे वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा एक सबको लगने लग गया। तो डिक्लाइन होता चला, होता गया और इस बीच ये 3 साल में दो ऐसी बड़ी घटना हुई जिसके कारण कांग्रेस का जो अभी जो कल जो रिजल्ट आया ना उसमें इसका बड़ा बहुत बड़ा एक हाथ है। क्या घटना हुई उस चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुत ही मतलब राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुत ही यहाँ क्रिटिसिज्म हुआ और मीडिया में भी क्रिटिसिज्म होने लगा। तो उन्होंने क्या किया गुजरात में शायद नेशनल लेवल पर भी, हाँ नेशनल लेवल पर ही आप जानते हैं कि नेशनल लेवल पर उन्होंने अपने जो प्रवक्ता होते हैं वो चैनलों में भेजना बंद कर दिया था। काफी समय कैसा रहा था आप जानते हैं और कई चैनलों पर, हाँ सब जगह पे कांग्रेस के प्रवक्ता आना बंद हो गए थे। तो मीडिया को भी ऐसा लगा कि ये क्या बात हुई, आप पॉलिटिकल पार्टी है हर जीत होती रहती है, आप आइए तो सही लेकिन वो नहीं है। तो फिर मीडिया का भी एक वो चलता रहा कि भाई कांग्रेस के बिना। दूसरा क्या हुआ शायद आपको नहीं पता होगा, गुजरात में कम से कम एक साल तक सभी पदाधिकारी का रिजाइन करवा दिया गया था, कोई पदाधिकारी नहीं था किसी भी, सब सिर्फ ऑन पेपर चल रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट चल रहे थे और वो जो कुछ बोलते वो काम होता, बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं थे, कोई कमिटी के वो चेयरमैन, सब कुछ डिसॉल्व कर दिया था कांग्रेस ने अपने आंतरिक में। तो इसके कारण भी नेता और कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते चले गए, ये क्या बात है हमारे सबको रिजाइन करवा दिया इसका क्या मतलब है, आप बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते, इसमें पार्टी दिया, ये हमारे जो जितने पोस्ट है वो क्यों रिजोल्व कर रहे हैं। तो इसके कारण भी वर्कर्स और लीडर्स दूर होते गए पार्टी से, तो कोई काम करने वाला रहा नहीं। तो अब जाके कल का ये परिणाम आया कि भाई लोकल लेवल पे सिटी एरिया में कोई नहीं था तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब अगले सप्ताह पालिका और नगर पालिका के इलेक्शन है, शायद उसमें कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है उसका कांग्रेस का, क्योंकि इंदिरा जी के टाइम से आप जानते हैं कि रूरल गुजरात, रूरल इंडिया में सब जगह और रूरल गुजरात में भी कांग्रेस के जो कमिटेड है पुराने लोग वो अभी भी है, वो अभी ऐसा कुछ नहीं मानते, जो जो खाम खाम करके बोलते थे गुजरात में आज भी वो खाम है, क्षत्रिय हरिजन खाम है, मुस्लिम खाम है, आदिवासी वही खाम अभी आम आदमी पार्टी और ओबीसी उसको यूज कर रहे हैं। ओबीसी ने जो ओबीसी के जो 7 कैंडिडेट विजेता हुए उसमें एक हिंदू भी है तो वो भी हिंदू खड़ा रखते हैं लेकिन वो ओबीसी के है, तो नेचुरली वो काम का थियरी का उपयोग करते हैं और आम आदमी पार्टी तो उसी के आधार पर चलती है। तो दोनों ने उसका यूज कर लिया और इसमें इन लोगों के पास कोई नेता और वर्कर्स नहीं होने के कारण ये निकले। तो आपके हिसाब से जो आने वाले चुनाव है, जो पालिका और छोटे नगर पालिका के चुनाव है, उसमें पता चलेगा कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बचा है या पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उसमें पता चलेगा। एक सवाल पूछना था कि अभी ये जो आज राज्यसभा का भी उपचुनाव हुआ उसमें जो सीट अहमद पटेल ने जीती थी बहुत मशक्कत करके वो भी आज कांग्रेस ने खो दी। कांग्रेस के नेता अगर आप राज्य में देखेंगे, अहमद पटेल तो केंद्र में थे लेकिन शक्ति सिंह गोहिल थे और शंकर सिंह वाघेला और अभी परेश धानानी एक युवा नेतृत्व जिनको कहा जाता है, लेकिन अभी जब गुजरात में कांग्रेस का भविष्य किस नेता में देखते हैं कि किसमें ऐसी क्षमता है कि जो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को संभाल सके? कोई भी नहीं, तो भी वेरी फ्रेंक, कोई भी नहीं। इसका कारण यह है कि कांग्रेस वर्चुअली में उसको मैं मानता हूं और लिखता भी रहता हूं कि कांग्रेस जो प्रजा में देश में जो मतदारों में नागरिकों में जो डिवाइड एंड रूल का जो एक चलता है उसका जो प्रोसेस, वही प्रोसेस उसके नेताओं में भी चलता है। यहाँ जो भी नेता होते हैं
उसको उनके पास ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि ये वो या तो राहुल गांधी को सपोर्ट करे या सोनिया गांधी को सपोर्ट करे या प्रियंका को सपोर्ट करे या फिर अहमद पटेल को सपोर्ट करे, अभी तो वो है नहीं, लेकिन इस तरह का एक हमेशा से रहा है। देख बिल्कुल अगर हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई वो जो कांग्रेस के 10 नेता अगर वहां है तो तीन तीन चार चार के ग्रुप में अलग अलग खड़े होंगे और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गांधी परिवार के लिए काम करने वाले हैं, ये इसके लिए काम करने वाले हैं। तो ये जो है वो आज भी है और इसके कारण वो किसी लीडर को यहाँ पावरफुल नहीं होने देंगे, किसी को नहीं होने देंगे। शंकर सिंह वाघेला में बताऊ, शंकर सिंह वाघेला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, उन 2017 उन्होंने बहुत मेहनत की कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए, बहुत मेहनत की, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी थे, गांधी परिवार के साथ जुड़े कांग्रेसी थे, वो हमेशा ऐसे मैसेजेस मीडिया में भी देते थे अंडर करंट और ऊपर दिल्ली में भी देते थे कि ये तो ओरिजिनल कांग्रेसी नहीं है, ये तो बीजेपी संघ वाले, क्योंकि शंकर सिंह तो संघ से ही निकले थे और बीजेपी के यहाँ बड़े नेता थे, लेकिन मोदी जी के सीएम होने के बाद वो उसको नहीं ठीक लगा, वो अपना ये केशव भाई के सीएम होने के बाद तो नहीं उनको लगा तो निकल गए। उनका बेस था, अगर कांग्रेस उनका सही इस्तेमाल करती तो कांग्रेस बच सकती थी, आगे आ सकती थी, लेकिन मैंने बोला वही कि उनको बाहर का आदमी करके उनको दूर रखा गया, तो 2 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एनसीपी के साथ चले गए। अब एनसीपी में भी उन कुछ नहीं हुआ, देखा कि भी अब एनसीपी भी खत्म हो गई है, तो उन्होंने लास्ट वीक, आपको शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, पता सुना होगा न्यूज में, कि लास्ट वीक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओपनली डिक्लेयर किया कि कांग्रेस गांधी परिवार जो भी जिस जो शर्त पे मुझे वापस लेना चाहते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ कांग्रेस में, मेरी कोई शर्त नहीं है। तो ये शंकर सिंह वाघेला की भी डिक्लाइन है और अब वो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग शंकर सिंह वाघेला भी उनको खुद को प्रोमिनेंस नहीं मिलता है ऐसा बोलकर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकले थे कांग्रेस से, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे कि मैं बिना शर्त वापस आने के लिए तैयार हूँ, तो नेचुरली वो नहीं लेंगे, तो ये हो रहा है। तो और दूसरा कोई नेता परेश धानाणी की आप बात कर रहे हैं, परेश धानाणी बहुत यंग है और हम देखते हैं विधानसभा जब चालू होती है या कोई कुछ इश्यू होता है तो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही मैच्योर होते हैं, उसके पास मैच्योरिटी का बहुत ही अभाव है, नहीं है मैच्योरिटी। तो अगर लीडर के तौर पर आप मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं तो कौन रहेगा आपके साथ, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा अभी कोई कांग्रेस में नहीं है। तो ये जो बीजेपी की जीत है उसका क्रेडिट, वो ठीक है स्थानीय चुनाव, उनके अलग अलग स्थानीय नेता भी रहते हैं और उनका भी परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि फाइनली यानी रूपानी साहब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छाया से बाहर आके उन्होंने खुद का बेस बना दिया, या अभी तक ये चुनाव भी जीतते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी के वजह से ही ये नहीं, क्या पिक्चर है? नहीं, इसमें हम कोई ऐसा एक कंक्लूजन नहीं कर ले सकते, इसलिए कि मैंने बोला पहले कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है तो है, वो सही है। रूपाणी जी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, जब यहाँ बाढ़ आई थी तो वो खुद वो छोटी छोटी बोट में बैठकर गांव में जाते थे और सबके पास पूछते थे कि क्या हो रहा है, पूरा जो काम चल रहा था गवर्नमेंट के वो खुद देख रहे थे, वहां कैंपिंग करते थे, वो सब तो काम किया। कोविड के वक्त उन्होंने वर्चुअली हर रोज डेली बेस पे 10 लोगों को फोन करते थे, शाम को उनका एक कार्यक्रम रहता था, वो सब फोन करते थे भी कैसा चल रहा है, और रैंडम, ऐसा नहीं है कि जो जिनको जानते हैं ऐसा नहीं है, नहीं जानते ऐसे लोगों को भी रैंडमली 10-12 लोगों को फोन करते थे। तीसरा एक काम उन्होंने ये किया,
कि जिस तरह से मोदी जी मन की बात करते हैं लास्ट संडे और मंथ के, उसी आधार पर विजय रूपाणी जी ने यहाँ एक दो साल से अपना खुद का एक ऐसा एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें क्या करते हैं, वो कॉल लेते हैं लोगों का, वो बैठते हैं उस पर और लोगों के कॉल लेते हैं, कोई सवाल है तो उसका उसी वक्त जवाब देते हैं, अगर कुछ प्रश्न है तो उसी वक्त सामने जो भी अधिकारी है, जो भी उसके डिपार्टमेंट है, उसको सूचना देते हैं कि इसका फॉलो अप चाहिए मुझे। तो ये काम बहुत अच्छी तरीके दिखता नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो वो खुद तो पहुंचे है और दूसरा संगठन का काम है तो है, दिख रहा है, वो सब करते हैं। जिस दिन यहाँ अपने ये पाटिल जी ने प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट बनाया पाटिल को, तो उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया, जिस तरह की इस इलेक्शन में वो बताया उन्होंने कि भी तीन टर्म से जो चुनाव लड़ रहे हैं या 6-7 साल से ऊपर है तो उनको नहीं, तो उसका असर ये हुआ लोगों को, जो नॉर्मल जो समीक्षक होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये तो मर गए, अभी बीजेपी चल रही का खत्म हो जाएगा, इस तरह का स्टैंड कैसे चलेगा। लेकिन मुझे पता था कि ये काम करेगा और यही हुआ कि यंग जितने भी इस बार ये जो 483 जो जीते हैं नए कॉर्पोरेटर्स, उसमें से आप ले लीजिए ऑलमोस्ट 60-65% उसे ज्यादा यंग है, वो 40 के नीचे है। तो आप अब ये लोग जो अगर चुनाव जीत सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो नेचुरली वो आगे जाके नए नेता बनेंगे। सपोर्टर्स में एक मोटिवेशन होता है ना, तो ये हुआ है। आखिरी के दो सवाल, आज अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, वहां पे अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग स्टेडियम और कुछ मायनों में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1.25 लाख लोग जहाँ पे बैठ सकते हैं। और अभी आपने कहा था कि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में खास करके व्यक्ति से समष्टि ज्यादा मायने रखती है, और इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रखने से ऑपोजिशन तो उनको तो ये मुद्दा लेकेगी, लेकिन पहली बार ऐसे बीजेपी में भी या संघ के जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसे नाम देना शायद ठीक नहीं है। अभी तक जो योजनाएं हुई थी उसको प्रधानमंत्री योजना करके दिया करता था, तो खास करके गुजरात में इस चीज को, नरेंद्र मोदी जी का नाम स्टेडियम को देना, इसे कैसे देखा जा रहा है और आप खुद इसे कैसे देखते हैं? मैं पहले लोगों की बात करूंगा। लोगों में दो प्रकार के रिएक्शन है। कुछ एक छोटा सा एक तबका है जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो ऐसा मानता है कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये किया तो अब हमारा जो आर्गुमेंट था राजीव गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये स्टेडियम, वो अब आर्गुमेंट हमारा नहीं रहेगा। डिफरेंस तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ। मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से एक डिफेंसिव या इस तरह से तो क्या बोलते हैं उसको सोचना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी, मैंने आज एक मेरी अपने फेसबुक पे पोस्ट डाली सुबह ही, ये सब जब हुआ तब छोटी सी पोस्ट है, मैंने ये लिखा कि भी नरेंद्र मोदी 2002 से कामकाज शुरू किया उन्होंने सीएम के तौर पे, वहां से लेकर आज तक यानी 19-20 वर्ष हो गए वो काम करते रहे हैं। आप उन्होंने कच्छ जो भूकंप में पूरा खत्म हो चुका था उसको बड़ा खड़ा कर दिया, बहुत सारे वहां इंडस्ट्रीज आए और एक नया कच्छ हो गया जो जिसने किसी की कल्पना नहीं की थी। वहां रणोत्सव होने लगा, जो लोग ऐसा मानते थे कि कभी कच्छ में जाना ही नहीं सकते। मैं खुद जाके आया कच्छ के रण में, बहुत सुंदर रणोत्सव शुरू किया। वहां से लेकर कोविड की जो रस्सी बनी यहाँ पे बनी, उसका जो मोटिवेशन उनके लीडरशिप में हुआ, इतने सालों में वर्चुअली एक भी महीना या एक भी साल बोल लो, एक भी वर्ष ऐसा बोल लो कि नहीं गया है जब नरेंद्र मोदी ने
भारत को कोई बड़ी कोई गिफ्ट ना दी हो, चाहे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ले लो आप, तो आर्टिकल 370 ले लो आप, CAA ले लो आप, हाँ दूसरा इन्वेस्टर मीट शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी थे, तो उस वक्त हर दो साल में ये होती थी, काफी सारे लोग यहाँ आए, उनका परसेप्शन बदला, उनका यहाँ के बारे में और यहाँ के लोगों का बाहर के बारे में परसेप्शन पूरा का पूरा चेंज हो गया। उसके साथ साथ पतंगोत्सव, वो उन्होंने जो टूरिज्म है तो उसको बहुत बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ इस तरह के काम किए, ट्रेन की बात हम ले लें या फिर ये मेक इन इंडिया की बात ले लें, तो ऐसा कोई भी फील्ड अभी बचा नहीं है जहां उनके इम्प्रिंट ना हो नरेंद्र मोदी के। अब इतना सारा काम करने वाला आदमी के साथ अगर, और ये विजन भी जो इतना बड़ा, आज हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो जानते हैं कि दुनिया का इससे बड़ा अभी कोई स्टैच्यू नहीं है, और स्टैच्यू नहीं है, और वहां जितने अभी खर्च हुआ था 3,000 करोड़ का खर्च हुआ था, आप जानते होंगे कि उसमें से तकरीबन 50 से 1200 करोड़ का तो वापस आ चुका, लोग इतने टूरिज्म की वजह से, टूरिज्म पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो यहाँ का जो अपना ये रिवर फ्रंट आप देखिए कि लंदन के उसके आता है, फ्रांस के पेरिस के उसके आता है, केरल पे, तो ये जो स्टेडियम बना है उसके साथ एक्चुअली ये तो स्टेडियम तो एक छोटा सा पार्ट है, ये जो पूरा स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है, सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स एनक्लेव, स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है, उसमें आज पूरी डिटेल्स आज पहली बार आई, तो उन्होंने बताया, अपने गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में बताया और डिटेल्स भी आई है कि ओलंपिक्स में जितनी भी गेम्स है वो गेम्स का वो खेल यहाँ अहमदाबाद में कोई भी देश का कोई भी खिलाड़ी आके खेल सकेगा, रह सकेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा विजन जब एक आदमी करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है ऑन एक्चुअल ग्राउंड पे लाता है, तो उसके नाम पे एक स्टेडियम हो तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए। हम ऐसा है देखिए, उन्होंने इतने साल तक जब गुजरात में सीएम थे तब भी और पीएम है उसके 6 साल में भी, उन्होंने अपने ये श्याम प्रसाद मुखर्जी, फिर दीनदयाल उपाध्याय, फिर दूसरे जो भी संघ के पुराने जो थे उनके नाम पर, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं की है, बहुत सारी योजना की है। उस वक्त तो किसी को वो कुछ बुरा नहीं लगा था, है ना, और तब अब जाके एक स्टेडियम को उनका नाम दिया गया। मुझे लगता है कि इसमें कोई पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, और एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस सवाल, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल ज्यादातर महाराष्ट्र में देखा जाता है, और खास करके अभी आप जैसे गुजरात में म्युनिसिपल चुनाव हुए, वैसे मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी 10 शहरों में चुनाव होने जा रहे हैं, और आपको शायद पता रहेगा कि पिछले कुछ महीनों से शिवसेना ने गुजराती वोट्स पाने के लिए जलेबीनू फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपड़ा ऐसा स्कीम स्टार्ट किया है। तो एक गुजरात के नागरिक की तौर, जो गुजरात के पत्रकार की तौर पे पिछले साल भर, साल डेढ़ साल जो महाराष्ट्र का शासन चल रहा है उसका परफॉर्मेंस, और ये खास करके अलग अलग जो विषय उभरते हैं जिसमें स्थानिक वर्सेस गुजराती, कभी वो बिहारी रहता है कभी, ये सब चीजों की तरफ आप महाराष्ट्र के बदलती हुई राजनीति की तरफ आप कैसे देखते हैं? जिस वक्त इन लोगों ने बीजेपी के साथ धोखा किया, शिवसेना ने उसके साथ जोड़ा के बावजूद सरकार कांग्रेस और उसके एनसीपी के साथ बनाई, उस दिन से मैं लिखता आ रहा हूँ और यहाँ काफी लोग मेरे जैसे लिखते हैं कि शिवसेना का ये अभी लिटरली उसका वो डिक्लाइन होने जा रहा है, होगा, क्योंकि ऐसा है कि सब लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए ही उसने ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया है, स्टेट के लिए नहीं किया है, हिंदू फौज के लिए नहीं किया है, सिर्फ पावर के लिए किया है, तो वो पावर उसको बाद में भी मिल सकता था अगर वो वेट करते, लेकिन नहीं किया, और उसके सामने बीजेपी
वो अपने स्टैंड पे रही कि नहीं इस तरह से हमें नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना पार्टी में मतलब पावर में है तो उसको कुछ फायदा मिल सकता है, जैसे कांग्रेस को पंजाब में मिला या तेलंगाना में उस पार्टी को मिलता है, गुजरात में बीजेपी को मिला। तो इस तरह से महाराष्ट्र में अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं तो ऐसे पावर पार्टी शिवसेना को थोड़ा सा कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा एक देख रहा हूँ। खास करके गुजराती लोग, मुंबई स्थित या गुजराती लोग नहीं जाएंगे, गुजराती लोग नहीं जाएंगे उसके साथ। हाँ, उसको कुछ भी स्कीम करे लेकिन गुजराती लोग शिवसेना के साथ जाए अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग होंगे तो हमने यूएस की इलेक्शन में भी देखा कि बाइडेन, बहुत सारे लोग ट्रंप के फेवर में थे फिर भी बाइडेन के साथ भी थे गुजराती, और इंडियंस आज भी है उसकी कम कैबिनेट भी है, तो इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर एक जो एक बिग पिक्चर हम देखे तो मुझे लगता है कि उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक एक छोटा सा जो तबका होगा गुजराती तबका जिसको पावर में से कुछ लेना है या फिर उसको बिगाड़ना नहीं है, लेना नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन शिवसेना के साथ बिगाड़ना नहीं, वो पड़ोस में रहता है अपने लोकल उसमें है तो उसके साथ बिगाड़ना नहीं है तो साथ में रहेंगे, लेकिन 100 में से ऐसे 2-3-4-10 लोग हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। धन्यवाद अल्केश जी, इस मोड़ पे आपने बहुत विस्तृत चर्चा की और खास करके गुजरात की राजनीति, गुजरात के म्युनिसिपल चुनाव से मुंबई पालिका चुनाव, ये सब विषयों पे चर्चा की। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा और अगर उनकी रुचि रही तो ऐसे कोई गुजरात बेस्ड थीम पे हम फिर से एक मुलाकात करेंगे। आज मैं मानता हूं कि यहां पे रुकते हैं, आपके आपके जो वो रहती सब्जेक्ट है उसको मैं ठीक से न्याय दे पाया हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, जरूर जरूर, धन्यवाद अल्केश जी, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।